हेलो एवरीवन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे आप सभी को पता होगा कि कल्याण स्कॉलरशिप आपका पोस्ट मैट्रिक के लिए खुल चुका है और यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं बट इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ रहा है जिसको यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे जैसे बहुत सारे लोगों को क्या यहाँ पर लग रहा है कि बैंक डिटेल क्यों नहीं लिया जा रहा है बैंक पासबुक अपलोड नहीं हो रहा है तो पैसे कहाँ आएंगे मार्कशीट जेरोक्स चलेगा या नहीं चलेगा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा बैंक पासबुक क्यों नहीं ले रहा है एक मोबाइल नंबर से क्या दो रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या प्रिंट आउट क्यों नहीं निकल रहा है कॉलेज में मांग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ अलग है सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में या आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस सारे केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले बेसिकली आपको बता दें दीजिए स्टूडेंट हम यहाँ पर आप ही का जो कमेंट है एक तरह से बोल सकते हैं एन का ये वीडियो बना रहे हैं क्यू एन ए और ये फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल पर ताकि आप सभी को अच्छा तरीका से यहां पर सोल्यूशन मिल पाए क्योंकि यहां पर काफी मुश्किल है कि एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाना इसलिए मैं आप सभी लोगों का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज को यहां पर डिस्कस करना चाहिए वो चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे देखिए मे भी हो सकता है कि आप नए व्यूअर हैं या फिर आप कमेंट नहीं किए बट आपके साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आप देख लीजिए मे भी हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको काम आ जाएगा या प्रॉब्लम हुआ होगा पहले अप्लाई करने टाइम तो आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सबका क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं डे स्टूडेंट ये देख सकते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है ड्रीम गर्ल की तरफ से ठीक है ये इनका क्वेश्चन है ये क्या बोल रही है आप देख सकते हैं सर सी बी एस ई वाले सी बी एस ई बोर्ड वाले भर सकते हैं क्या झारखंड में झारखंड के स्टूडेंट तो देखिए बेसिकली आप भर सकते हैं ठीक है देखिए आप सी बी एस ई से पास आउट हैं या फिर जैक से पास आउट हैं वो मतलब नहीं है ठीक है अगर आप यहाँ पर झारखंड में आप पढ़ते हैं दैट मीन्स आप यहाँ पर भर सकते हैं बट ध्यान रखें कि वो ई कल्याण स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर आपका कॉलेज रजिस्टर हुआ होना चाहिए ठीक है तो आप आराम से यहाँ पर भर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं परमिला हांसदा की तरफ से पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बोल रही है ई कल्याण में अगर गलती हो गया हो तो हम उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं कि नहीं प्लीज़ रिप्लाई मी ठीक है देखिए परमिला हांसदा की तरफ से क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बोल रही है कि अगर हम ई कल्याण में किसी प्रकार का गलती करते हैं तो क्या हम दोबारा उनको एडिट कर सकते हैं बेसिकली डियर स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं देखिए जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम डालते हैं जैसे कि आप मान लीजिए अपना नाम को डालते हैं आधार कार्ड नंबर डालते हैं इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और इसके साथ साथ फादर नेम डालते हैं और मोबाइल नंबर ये सारे जो बेसिक डिटेल है रजिस्ट्रेशन टाइम जो आप डाले हैं उसको आप एडिट नहीं कर सकते ये बात का ध्यान रखिएगा बट ये आपका एडिट पिछले साल वेबसाइट में था बट इस साल यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है वेबसाइट में एडिट का ऑप्शन तो आप अभी वेट कर लीजिए अगर कोई गलती हुआ है तो जैसे ही वेबसाइट अपडेट कर देता है तो इस पे हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे कि कैसे यहां पर एडिट करेंगे बट यहां देखिए एडिट का ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या होता है कि यहां पर मदर नेम गलत डाल दिए ठीक है फादर यहां पर क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं या फिर आपको बोल सकते हैं कि इनकम जो आप डालें वो आपका अलग हो गया है ठीक है तो ये सब जो चीजें हैं वो चेंज होने का है बेसिक और ये चेंज होना ही चाहिए ठीक है देखिए जैसे ही अपडेट आता है मैं इस कंप्लीट वीडियो बना दूंगा ठीक है आप तब तक के लिए वेट करिए अभी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है अगर गलत भी हुआ है तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक यहाँ का ऑप्शन नहीं खुलता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है एम के वीडियो क्रिएटर की तरफ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया एम के वीडियो क्रिएटर की तरफ से ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में देखिए स्कॉलरशिप भरने के बाद क्या करना होगा इसके बाद भी कुछ करना होगा कि कि पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया देखिए बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट तो फिर स्कॉलरशिप जब आप भरते हैं तो एक प्रिंट आउट आपका निकलता है ठीक है बट इस बार आपका फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट आउट पेज यानी कि कंफर्मेशन पेज नहीं निकलता था बहुत सारे कॉलेज में क्या होता था कि यहाँ पर प्रिंट आउट आप को जो निकलता था इकल्याण वेबसाइट की तरफ से फाइनल सबमिशन के बाद उसको आपको यहाँ पर कॉलेज में सबमिट करना पड़ता था बट यहाँ पर प्रिंट आउट अगर नहीं दे रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है ईड जो ईक्लेन स्कॉलरशिप भरे दैट मींस आपका प्रोसेस खत्म हो गया प्रिंट आउट का ऑप्शन जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा तब तक के लिए अगर आपको कॉलेज में बोलता है कि प्रिंट आउट दीजिए तो फिर आप यहां पर बोल दीजिए कि प्रिंट आउट निकलता ही नहीं है ईक्लेन वेबसाइट से तो कैसे आपको देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं रॉन वाई वाई पार्लर करके इनका यहाँ पर नाम लिखे हुए ई मेल आई तो यहाँ पर देखिए इनका क्वेश्चन क्या है बोल रहे भैया मोबाइल में फॉर्म भरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो देखो मैं आपको बता दूं जो हम वीडियो बनाए हैं डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा वो हम अपने मोबाइल फोन पे ही भर के आपको वीडियो बनाकर दिए ठीक है तो देखिए मोबाइल फोन से आप भरिए कोई दिक्कत की बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मोबाइल फोन से भरिए बट देख लीजिएगा सारा स्पेलिंग करेक्ट लिया क्योंकि मोबाइल फोन में जो आपका टाइपिंग वाला की है वहां पर ऑटो

का मर्ज करके अपलोड करूं या ओनली कॉलेज का ठीक है देखिए यहां पर इनका कहना है कि इनको दो बोनाफाइड मिल गया मेरे अकॉर्डिंग हमको समझ में आ रहा है इनके कमेंट से कि इनको दो यहां पर बोनाफाइड मिल चुका है ठीक है अब ये आपका कॉलेज का एक मिला हुआ है ठीक है सॉरी यहां पर कॉलेज का मिला हुआ है ये एक हॉस्टल का मिला हुआ है ठीक है तो देखिए ऐसा तो मिलना नहीं चाहिए कि कॉलेज और हॉस्टल का अलग अलग होता है वो अगर बोनाफाइड बेसिकली मैंने देखा है तो दोनों सेम और में फी स्ट्रक्चर उनका मैंसन होता है कि ये हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है ठीक है तो इस इसमें अगर आपको कॉलेज और हॉस्टल का अलग अलग बोनाफाइड मिला हुआ है तो आप इसको जेपी मर्ज कर लीजिए एक ही में कंबाइन कर लीजिए देन आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ठीक है ये बात का ध्यान रखिएगा अगर ऐसा केस है तो बाकी हम जहाँ तक बोनाफाइड देखें उसमें यहाँ पर एक ही बोनाफाइड में आपका मैंसनर होता है कि ये हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है ठीक है और हॉस्टलर रहेंगे तो वहाँ पर हॉस्टल का मैंसन रहेगा नहीं तो नॉर्मली वो मैंसन नहीं होता है ठीक है तो अगर आपके पास दो आपको पेज मिला हुआ है हॉस्टल और कॉलेज का अलग अलग तो आप उसको मर्ज कर लीजिए देन आप अपलोड करिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है फिलो एक्सप्लोरर की तरफ से देखिए यहाँ पर फ़िलो एक्सप्लोरर यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ मैं पूछ रहे हैं मैं विश्वास भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ आउटसाइड स्टेट में मेरा फॉर्म फिलअप अप नहीं हो रहा है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम नहीं शो कर रहा है क्या वेबसाइट में प्रॉब्लम है देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ देखिए अगर आपका आउटसाइड स्टूडेंट है डी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा तो आप कॉलेज में जाइए पता करिए कि आउटसाइडर का अलाव है या नहीं है ठीक है जैसे आपको मैं बता रहा हूँ समझिए जैसे आपका जो कॉलेज है वो झारखंड के बाहर है तो आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि वो ई कल्याण में आपका कॉलेज रजिस्टर है झारखंड के वेबसाइट में या नहीं है अगर होंगे तो जरूर आपका वेबसाइट में आ रहा होगा और नहीं होगा तो वेबसाइट में आपका नहीं आएगा ये बात का ध्यान रखिएगा बट बेसिकली अभी अगर आपको वेट करना है अगर आपको कॉलेज में बोल रहा है कि हाँ हम लोगों ने ई कल्याण को यहाँ पर रजिस्टर किए हैं ई कल्याण के वेबसाइट में तब भी नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पर सिंपली वेट करिए अप्रूवल मिलेगा कॉलेज को तब यहाँ पर आपको नाम शो करेगा ठीक है कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको कॉलेज बोल रहा है कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं कल्याण के माध्यम से हमारा कॉलेज मतलब कि वहाँ से अप, अपडेटेड है तो आप यहाँ पर ईजिली अपना ले सकते हैं अगर वहाँ पर ई कल्याण से स्कॉलरशिप मिलता होगा उस कॉलेज पर ठीक है तो इसको पता करने का एक ही उपाय आप कॉलेज जाइए और वहाँ पर पता करिए तो वो आपको क्लियर बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पवन कुमार आ, पवन और म्यूजिक के तरफ से ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बोल रहे भैया फॉर्म भरते टाइम एड्रेस गलत सबमिट कर दिए हैं इसको इसका आ, इसको कोई सॉल्यूशन बताइए ना ठीक है तो देखिए अगर आप एड्रेस गलत फील कर दिए मे बी एग्ज़ाम्पल के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप एड्रेस फिल किए ये इम्पॉर्टेंट ठीक है देखिए अगर गलत है तो गलत तो फिल आपको नहीं करना चाहिए तो अगर गलत हो गया है तो एडिट का ऑप्शन अभी तो खुला नहीं है एडिट का ऑप्शन जैसे ही खुलेगा आप एड्रेस को एडिट कर दीजिएगा और अगर नहीं भी एडिट कर पाते एडिट का ऑप्शन नहीं खुलता है तब भी इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा अगर एड्रेस गलत है तो बेसिकली एड्रेस से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है क्रिएट बेसिकली आपका मदर नेम फादर नेम आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फिर ये सारे डिटेल सही होना चाहिए बाकी अगर एड्रेस गलती से आप गलती भर दिए टीट का ऑप्शन खुलेगा तो भर दीजिएगा नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं आप टेंशन फ्री रहिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आप देख सकते हैं आशीष कुमार की तरफ से ठीक है ये बोल रहे हैं आ, पर सर जी कॉलेज में हार्ड कॉपी देना होता है वो कैसे निकलेगा ठीक है तो आपको मैं बताया पहले ही कि आपको बता दें जो प्रिंटआउट का ऑप्शन था फाइनल सबमिशन के बाद आपका प्रिंटआउट निकलता था डियर स्टूडेंट वो आपका नहीं निकल रहा है इस बार से ठीक है तो फाइनल सबमिट के बाद प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है तो इस बात को आप कॉलेज में जाकर बताइए कि सर कोई भी प्रिंट आउट हमारा अपलीकेशन फॉर्म सबमिट किए तो नहीं निकला है बस अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर निकला है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन करके आप कॉलेज में दे सकते हैं अगर चाहते हैं तो बाकी अगर प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है अभी तक इकलैन हेल्प डेस्क में मैंने इस विषय में बात भी किया है उसने बोला है कि दो तीन दिन में साइट अपडेट होगा तो आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन भी आ जाएगा आप अपना प्रिंट आउट कर सकते हैं बट तब तक के लिए वेट करिए जब तक प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आता है और कॉलेज में आप बोल दीजिए कि प्रिंट आउट का कोई यहाँ पर नहीं मिला है कंफर्मेशन पेज तो हम कॉलेज में क्या जमा करें आप डायरेक्टली बोल सकते हैं वो मान जा, मान जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीचा श्री की तरफ से पूछा गया है ये पूछ रही है यहां पर मेरा कॉलेज का नाम शो कर रहा है पर कोर्स और इन विच इज स्टडिंग इन द करेंट ईयर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है बेसिकली ये प्रॉब्लम कैसा है मैं आपको बता दे रहा हूं देखिए हम एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं इनका कहना है कि कॉलेज का नाम तो यहाँ पर आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कॉलेज का नाम तो यहाँ पर आ रहा है बट इसके साथ साथ जो इनका कोर्स आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आ, इनका पूछना है वो ये पूछना है कि यहाँ पर जो आपका कोर्स है वो क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स में यहाँ पर जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ठीक है तो देखिए कॉलेज अप्रूवल के बाद कॉलेज वाले को मैपिंग करना पड़ता है ठीक है कोर्स को मैपिंग करना पड़ता है जब तक वो मैपिंग नहीं करेंगे अपना वेबसाइट में अपने आईडी से तब तक आपको शो नहीं करेगा ये बात का ध्यान रखिएगा तब तक आपके लिए आप कोर्स भी यहाँ पर शो नहीं करेगा कि कौन सा कोर्स आप में पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप यहाँ पर कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी शो नहीं करेगा तो आपके लिए एक ऑप्शन है रिचाश्री आप यहाँ पर सिंपली वेट करिए वेट करिए जैसे ही वहाँ पर कॉलेज के द्वारा मैप कर दिया जाएगा कोर्स को तो फिर आपका यहाँ पर कोर्स भी सेलेक्ट होगा उसके साथ साथ एकेडमिक ईयर भी यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर कर पाएंगे कि कौन से ईयर में आप पढ़ते हैं ठीक है तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देख लीजिए एमडी शाद रॉकी की तरफ से क्या बोल रहे हैं अमरी शाद रॉकी आप यहां पर देख सकते हैं ये बोल रहे हैं बैंक डिटेल का ऑप्शन नहीं आ, आ, है क्यों आखिर क्यों ठीक है तो डियर स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं यहां पर इस बार ना ही आपको बैंक पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है ना ही आपको बैंक डिटेल मांगा जा रहा है जैसे कि अकाउंट नंबर आईएफएससी या फिर आपको जो भी आपका ब्रांच है वो नहीं मांगा जा रहा है ठीक है तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है आपको पता होगा यहाँ पर आपको जो पैसा मिलते हैं वो आधार के बेस पर आपको पैसा मिलता है डीवीडी के माध्यम से ठीक है डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर ठीक है मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ देखिए ये आप आपको जो आ, आपको क्यों नहीं बैंक डिटेल मांगा जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए आपका जो पैसा अब आएगा वो आधार कार्ड के थ्रू आएगा पहले भी वही आता था एपीएस के माध्यम से आपका पैसा आता था ठीक है देखिए आपका जैसे आधार कार्ड एग्जांपल के लिए ये आपका आधार कार्ड हो गया ठीक है ये आपका प्यारा आधार कार्ड है अब ये आपका बैंक डिटेल नहीं मांगा जा रहा है तो देखिए आपका जो पैसा है वो ई कल्याण वाले आधार कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में भेजेंगे मान लीजिए कि ई कल्याण से पैसा आया आधार कार्ड में देन आपका पैसा जो भी अकाउंट से आधार कार्ड में लिंक होगा अकाउंट ठीक है जो भी यहाँ पर लिंक होगा जो भी बैंक ठीक है वो आपका उसी अकाउंट में आएगा चाहे वो आपका ग्रामीण बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो या एस हो ठीक है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बता दे बैंक पासबुक इसलिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि इस बार से यहाँ पर आपका डीबी के माध्यम से पैसा आएगा ठीक है पहले भी डीबीटी के माध्यम से

आधार कार्ड से लिंक है और वहीं पे आपका पैसा जाएगा ये बात का भी आप पूरा पूरा ध्यान रखिएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है बैंक पासबुक इस बार अपलोड नहीं करना है आपको कोई अकाउंट नंबर नहीं डालना है कोई आईएफएससी कोड या फिर कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करना है इसका ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया है पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से जाएगा ये बात का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है देख लीजिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सुजीत कुमार वर्मा का यहाँ पर क्वेश्चन है सर अप्लाई करते समय फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को डालते हैं उसके बाद उस स्कूल का नाम नहीं आ रहा है सिर्फ एक दो स्कूल का नाम आता है और स्कूल के नाम नहीं आ रहा है इस पर वीडियो बनाइए देखिए देखिए आपको बता दें आपका जो कॉलेज है आप सही ब्लॉक्स चूज कर रहे हैं सही डिस्ट्रिक्ट चूज कर रहे हैं देन आपका कॉलेज का नाम वहाँ पर नहीं शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि कॉलेज आपका अप्रूव नहीं हुआ है एक कल्याण की तरफ से ठीक है जैसे ही आपका अप्रूवल कॉलेज को मिल जाता है देन आपका वेबसाइट पर वो आपको दिखने लगेगा देन आप अप्लाई कर पाएंगे ठीक है तो आप वेट करिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल मिलता है देन आपको यहाँ पर कॉलेज आपका शो करने लगेगा डिस्ट्रिक्ट और

रेसिडेंस कास्ट का क्या होना चाहिए तो इनकम की पूछा है तो मैं सिर्फ इनकम का बता देता हूँ इनकम आप यहाँ पर वैलिडिटी पे मर जाइए कि कब तक वो वैलिड है आपको क्या करना है सिंपली आप यहाँ पर इनकम आप सर्टिफिकेट देखेंगे यहाँ पर आपका क्यू कोड होगा डी स्टूडेंट उसके नीचे यहाँ पर इशू डेट होगा यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया एक डेट होगा उसके नीचे यहाँ पर इशू डेट होगा तो ऊपर वाला जो डेट है डी स्टूडेंट वो आपका जो है वो आपका जब अप्लाई किया इनकम सर्टिफिकेट वो है नीचे जो होगा वहां पर इशू डेट होगा आई डबल एस I double डबल एस यू स्विंग डेट करके वो डेट देख लीजिएगा वो डेट आपको देखना है बस आपको ये देखना है कि वो आपका एक नौ दो हजार बाईस से

लास्ट मार्कशीट मेरा सेमेस्टर सिक्स ग्रेजुएशन का होगा तो हाँ आपका जो लास्ट मार्कशीट होगा वो ग्रेजुएशन का ही होगा क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के मदद से अगर यहां पर बीएड में एडमिशन लिए हैं तो फिर आपका जो है ग्रेजुएशन का सिक्स सेमेस्टर का यहाँ पर आपका मार्कशीट प्रीवियस सेमेस्टर में अपलोड करना है और उसी का एग्रीगेट परसेंटेज जो है वही आपको डालना है ये बात का ध्यान रखिएगा आप जैसे यहाँ पर सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप भरेंगे तो बी का जो यहाँ पर इनका सेमेस्टर वाइज होगा तो सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करेंगे और मार्क्स डालेंगे या ईयर होगा तो वहाँ पर वो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर अपना मार्कशीट को अपलोड करेंगे ठीक है तो क्लियर हो गया होगा देखिए यहाँ पर कमेंट है एक मिस्टर की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं एमआर लिखा हुआ है दैट मींस यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं भैया फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है करेक्शन होगा या नहीं तो मैं आपको बताया कि देखिए बेसिक डिटेल जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप करते हैं उस डेटा में कोई करेक्शन अलाउ नहीं है ये बात का ध्यान रखिएगा ठीक है तो गलत हो गया इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम भी आप देख सकते होंगे कि वहाँ पर वो एडिट का ऑप्शन ही नहीं आता है आप उसको एडिट या चेंज नहीं कर सकते फादर नेम अपना मोबाइल नंबर अपना नाम ये सारे डिटेल को ठीक है तो आपको अगर गलती हो गया स्पेलिंग तो आप वेट करिए अगर अच्छा से चेक होता है तो फिर हो सकता है कि मे बी आपका रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर आपका अगर बेसिकली रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो बाकी आप देखिए क्या होता है गलती तो आपको नहीं करना चाहिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ देखिए जब रजिस्ट्रेशन करिएगा पूरे ध्यान से आप देख लीजिए तभी आप यहाँ पर सबमिट करिए स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछा गया है एस्पिरेंट्स की तरफ से ठीक है ये बोल रहे हैं भैया मेरा मिस्टेक हो गया है और मैं फाइनल सबमिट भी कर दिया है मैंने ओबीसी का, का का कास्ट सर्टिफिकेट जमा किया पर गलती से कास्ट कैटेगरी में एस सी सेलेक्ट हो गया क्या अब कुछ हो सकता है देखिए इनका कहना है कि हम यहाँ पर ओ बी सी हम हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर ओ बी सी का सर्टिफिकेट भी अपलोड किए हैं कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है बट फॉर्म भरते टाइम ये एस सी चूज़ कर दिए तो देखिए जब आपका अभी तो गलती है कि आप यहाँ पर कास्ट अलग कर दिए हैं मे भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आगे हो जाए बट देखिए अभी एडिट का ऑप्शन वेबसाइट पे नहीं आया है अगर एडिट का ऑप्शन आया आ जाएगा तो हम वीडियो बना देंगे आप देख सकते हैं वहाँ पर आप कास्ट कैटेगरी अपना ओ चूज़ कर लीजिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा हो जाएगा बट अभी एडिट का ऑप्शन नहीं आया तब तक के लिए तो आपका एडिट नहीं हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए था अगर आप गलती हो भी गया तो आप वेट करिए एडिट का एडिट का ऑप्शन अगर टैब खुलेगा तो हम इस पर कंप्लीट वीडियो बना देंगे आप उस टाइम एडिट कर लीजिएगा देन आप यहाँ पर फाइनल uh, सबमिट कर दीजिएगा बट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो देखिए जाँच होगा तो भी यहाँ पर आपको गलत यहाँ पर बोला जाएगा और मे भी हो सकता है कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है ठीक है चांसेस है देखिए अब क्या होता है देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर सोनाली सोनाली मार्डी की तरफ से क्या पूछ रही है ये ये बोल रही है तत्काल वाला इनकम चलेगा क्या ठीक है तो देखिए मैं आपको बता दूँ तत्काल रहे या नॉर्मल रहे उससे कोई मतलब नहीं है इ कल्याण को बस आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए देखिए आपको बता दें तत्काल हम लोग क्यों लगाते हैं तत्काल के लिए हमको रीज़न देना पड़ता है कि हम देखिए तत्काल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको इ कल्याण का स्कॉलरशिप भरना है तत्काल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेरा जॉब यहाँ पर हो गया हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो वहाँ पर हमको रीज़न देना पड़ता है तत्काल में बाकी देखिए सर्टिफिकेट दोनों सेम है आपको कोई दिक्कत की बात नहीं तत्काल वाला भी चलेगा नहीं दौड़ेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ये बात का ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपलोड कर सकते हैं और सिर्फ इनकम क्यों अगर आप चाहते हैं कि रेसिडेंस और कास्ट आपका नहीं बना हुआ है तो वो भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं तत्काल वाला अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं तीनों सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं तत्काल वाला चलेगा पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्मा जी पूछ रहे हैं ठीक है जी, mark, uh, वर्मा जी क्वेश्चन मार्क वर्मा क्वेश्चन मार्क जी मतलब वर्मा जी हैं ये ठीक है ये पूछ रहे हैं सर मेरा रजिस्ट्रेशन करते करते समय फादर नेम की जगह अपना नाम डाल दिए गया है सर चेंज होगा या नहीं ठीक है तो देखिए आपको बता दे रही स्टूडेंट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत ध्यान से आप फॉर्म को भरिए एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकता है ठीक है देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी डेटा आप डाले हैं वो आपका आपका क्या बोलते हैं एडिट नहीं हो सकता है इसके लिए ये एडिट नहीं होगा अब देखिए आगे, आगे आपको क्या हो सकता है मे भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए ये बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से, से का ऑप्शन का आएगा की नहीं तो अभी तो एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आया है यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन पूछा गया चित्रंजन जी के तरफ से आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है सभी के लिए सभी व्यूवर्स के लिए ये क्या पूछ रहे हैं आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर देना है वो नंबर अपने आ, अपने आधार से लिंक होना ज़रूरी है क्या जिसके आ, जिसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो अप्लाई कर सकता है क्या ठीक है तो इसका क्वेश्चन काफ़ी सही है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको नंबर देना है बट देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने यहाँ पर ट्राई किया अदर मोबाइल नंबर से जो कि मेरे घर का मोबाइल नंबर था तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी है तो भी आपको अलग

फिर बाद में जब रिजेक्ट हो उस टाइम फिर से न्यू इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करें करने का ऑप्शन दी दे, देगा या नहीं प्लीज़ रिप्लाई अर्जेंटली ठीक है देखिए आपको मैं बता दूं अगर आपका सर्टिफिकेट आपका गलत होता है तो देखिए आपका डेट फेल होता है तो रिजेक्ट तो नहीं करता है वो आपका करता है पेंडिंग ठीक है क्योंकि रिजेक्ट मतलब वो खत्म हो गया आपका कुछ भी आप उससे नहीं कर सकते स्कॉलरशिप नहीं ले सकते बट पेंडिंग पैंडि, पेंडिंग करेगा उस टाइम आपको पंद्रह दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाता है पंद्रह दिन के अंदर न्यू अपलोड आप इनकम कर सकते हैं बट बेसिकली बात करें डी स्टूडेंट आपको मैं बता रहा हूँ एक पिछले साल मैंने अप्लाई किया था रांची डिस्ट्रिक्ट में गौसनर कॉलेज में ठीक है रांची डिस्ट्रिक्ट में मेरा भाई था गौसनर कॉलेज के लिए अप्लाई किया था उनका इनकम यहाँ पर फेल था मैंने यहाँ पर सोचा था इनकम फेल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तो मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ बाद में जब इनकम मेरा बन जाएगा वो पेंडिंग करेंगे देन अपलोड कर देंगे तो ऐसा किया उस लोगों ने क्या किया मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे साथ जो हुआ है इनकम सर्टिफिकेट फेल था वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए ये बात का ध्यान से सुनिए ये तो गलत है ये गलत है एक बार कम से कम आप टाइम दीजिए अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का ठीक है रिजेक्ट आप मत करिए इनकम सर्टिफिकेट को देखा और रांची डिस्ट्रिक्ट वाले इलेन ऑफिसर जो भी हैं वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया ये बात का ध्यान रखिएगा तो मैं आपको यही बोलता हूं कि देखिए मे हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट अलग हो तो मे हो सकता है कि वो क्या करे इनकम अगर फेल है तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे देखिए स्कॉलरशिप में भी हो सकता है छाटने का मन होता है वो लोगों का ठीक है तो कोई भी रीजन देखिए मैं आपको बता रहा हूं वैलिडिटी है इनकम का इनकम सर्टिफिकेट एलिजिबल है तभी आप अपलोड करिए नहीं तो रिक्स आप मत लीजिए मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं जो अप्लाई किए हैं न्यू इनकम के लिए वो आपको रिसिप्ट तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा अप्लाई करेंगे तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं वो आपको बोलेगा बाद में कि आप यहां पर फिर से अपलोड कर दीजिए ठीक है बट रिक्स आप मत लीजिए पर ऐसा भी होता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट फेल है तो वो आपको एक से दो बार मौका देते हैं कि आप अपलोड करो पंद्रह दिन के पास आपके पास टाइम है आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा बट इस बार आपको बता दें वो अपलोड का ऑप्शन आएगा भी कि नहीं आएगा वो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि साइट काफी चेंज कर दिया गया है और एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिया अभी तक तो इसके लिए कहना मुश्किल है इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट एलिजिबल है, तभी अपलोड करिए ना तो आप यहां पर रिसिप्ट को अपलोड कर दीजिए ताकि आपको बाद में पेंडिंग कर दे ठीक है? है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मयंक कुमार की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोल रहे है भैया मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और मार्कशीट में अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना देखिए ये बोल रहे हैं कि देखिए मार्कशीट में जो इनका डेट ऑफ बर्थ है एग्जाम्पल के लिए वो अलग है और इनका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है तो मैं बेसिकली आपको बता दूँगी स्टूडेंट जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में आपका अलग है वो डेट ऑफ बर्थ आप अगर चाहेंगे डालने के लिए तो फिर वो आपका नहीं आएगा वो बता देगा कि सर्वर डाउन है या फिर डेटा आपका मिसमेच है तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में दिया गया वही डालें नहीं तो आप करेक्शन के लिए आधार अपडेट सेंटर पर जाए आप पहले अपडेट करा ले, देन आप अप्लाई ऑनलाइन करें जैसा आपको अच्छा लगता है टाइम कम है मेरे हिसाब से तो हम बोलेंगे कि आप यहां पर अपलोड कर दो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाला क्योंकि देखिए आधार कार्ड का जब तक डिटेल आप नहीं देंगे तब तक वो सबमिट नहीं लेगा आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप सुधारने चाहते हैं तो सुधार के आप अप्लाई करिए नहीं तो आप आधार कार्ड में वही डेटा आपको फिल करना ही करना है सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है रजिस्ट्रेशन के टाइम ये बात का ध्यान रखिएगा देखिए यहाँ पर अननोन गैमर्स की तरफ से कौन पूछा जा रहा है कोई यहाँ पर स्टूडेंट है मैंने ब्रदर का प्री मैट्रिक प्री मैट्रिक में नंबर दिया तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम है अब शायद आधार में न्यू नंबर लिंक करना होगा ठीक है तो ये देखिए इनका क्या प्रॉब्लम हुआ आपको पता होगा प्री मैट्रिक वन से टेंथ क्लास तक पहले स्कॉलरशिप भराया था अब यहाँ पर क्या है आधार कार्ड में उसका भाई का पापा का नंबर दिया हुआ है और जो लड़का अप्लाई कर रहा है पोस्ट मैट्रिक उसका भी नंबर पापा का दिया हुआ है इस केस में क्या किया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो कर दिया आ, प्री भाई का अपना प्री मैट्रिक के लिए और अपना भी रजिस्ट्रेशन कर दिया उस टाइम का है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आया अब प्रॉब्लम कब आया जब फाइनल सबमिट किया होगा तब यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट का यहाँ पर मैसेज आया होगा ठीक है तो देखिए इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि आप यहाँ पर वेट करिए जैसे ही यहाँ पर मोबाइल अपडेट वाला ऑप्शन तो दे दिया है बट यहाँ पर जैसे ही अपडेट करने जाएंगे तो यहाँ पर बोल देता है कि ये आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है इसलिए अपडेट नहीं होगा तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं जैसे ही यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो मैं बता दूंगा नहीं तो अगर आप यहां पर आधार कार्ड में न्यू मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि करा, हो जाएगा तो फिर आप अवश्य करवा लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगा ठीक है जैसे ही आप यहां पर नया मोबाइल नंबर लिंक कराएंगे फिर आप अपडेट मोबाइल नंबर पर जाकर अपडेट कर देंगे आपका मोबाइल नंबर आपका अपडेट हो जाएगा देन आप अपना स्कॉलरशिप भर सकते हैं ठीक है ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मोबाइल नंबर चेंज कर लें ताकि यहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं विशाल गोप की तरफ से ये पूछ रहे हैं विशाल गोप यहाँ पूछ रहे हैं ये बोल रहे हैं कि देखिए सर मेरा ये प्रॉब्लम है आई एम करेंटली स्टडिंग इन यूजी सेमेस्टर थ्री वी हैव वी हैव नॉट रिसीव एनी मार्क्शीट टिल नाउ वाट सेल वी डू देखिए मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पर सेमेस्टर थ्री में स्टडिंग है तो फिर आपको सेमेस्टर टू का मार्क्सिट कॉलेज में जाकर ले लीजिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का मार्क्सशीट या सेमेस्टर का नहीं डालेंगे तब तक आपका अप्रूव नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है इसको मैं छोड़ देता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ए के शॉर्ट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया कि रिनूवल करने का क्या प्रोसेस है आ, बता दीजिए ठीक है यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि रिन्यूअल कैसे करना है तो डी स्टूडेंट मैं बता दूँ पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है रिनूअल करना है या फिर फ्रेश करना है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा देन आपको जैसे रिनूअल करना है तो आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर ही होगा फर्स्ट ईयर तो होगा नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ ईयर चूज़ कर लीजिएगा फ्रेश अप्लीकेशन अप्लाई करना है सभी को ये बात का ध्यान रखिएगा रिनूअल का ऑप्शन इस बार नहीं दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटन कुमार रजक के तरफ से यहाँ पर ये पूछ रहे हैं भैया जो सेमेस्टर टू में प्रमोटेड है तो क्या सेमेस्टर थ्री का स्कॉलरशिप भर सकता है प्लीज रिप्लाई भैया जी ठीक है तो इसको मैं बता दूं देखिए जो प्रमोटेड स्टूडेंट है ध्यान से सुनिएगा जो प्रमोटेड स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो एक तरह से आ, फेल के कैटेगरी में आता है ठीक है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्कॉलरशिप नहीं भरिए क्योंकि प्रमोटेड वाला यहां पर मे बी मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है और अगर आपको ट्राई भी करना है कि प्रमोटेड वाला भर सकते हैं तो आप भर दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिए आप नहीं भरेंगे तो रिजेक्शन भी नहीं होगा और भरेंगे ही नहीं तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर भर दीजिए प्रमोटेड है तब भी देखिए क्या होता है अप्रूव

सेम हो गया इसके लिए मैंने बता दिया कि एडिट का ऑप्शन आएगा तभी आप कर सकते हैं बेसिकली रजिस्ट्रेशन डेटा में आप कुछ नहीं कर सकते तो आपका एडिट नहीं होगा नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नितिन कुमार रक्षित रक्षित की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है भाई मैं कास्ट इनकम रेसिडेंट का डेट में ध्यान नहीं दिया और फॉर्म सबमिट कर दिया हूं और तीनों में सेम डेट हो गया है ठीक है देखिए बहुत लोग का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि देखिए हम जो कास्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेट में यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिए हैं वो जब रिव्यू करते हैं तो सेम हो जाता है तो देखिए ये वेबसाइट का दिक्कत है आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आप जितना बार करेंगे बार बार यहाँ पर सेम हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं आप अगर सही भरें तो वो वही डेटा आपका सही वहां पर गया बस आपको प्रीव्यू में आपको दिख रहा है ठीक है इनको ठीक करना चाहिए वेबसाइट वालों को जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएगा बाकी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है ये सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है वो आपका कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए भाई स्टेटस कैसे चेक करें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ, म... मोजामिल हुसैन की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया स्टेटस कैसे चेक करें तो देखिए हर साल यहां पर क्या होता था यहां पर जब आप यहां पर एकेडमिक ईयर चेक करते थे तब अब यहां पर स्टेटस चेक करना होता था ठीक है स्टेटस का टैब बना हुआ था कि कहाँ पर है अप्रूव्ड बाय कॉलेज अप्रूव्ड बाय डिस्टिकल असिस्टेंट अप्रूव्ड बाय डी डब्ल्यू ओ फाइनल अप्रूव बाय ए ऑफिसर ये होता था ठीक है बट इस साल यहां पर नहीं दिया गया तो इस विषय में यहां पर कंप्लेन भी किया हूँ मैं इकलैन हेल्प डेस्क पर जल्दी यहां पर स्टेटस चेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा आप टेंशन ना आ लीजिए अभी तो यहाँ पर नहीं दिया गया तब तक के लिए वेट करिए आप यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है ये अभिषेक राधे राधे की तरफ से क्वेश्चन है ये बोल रहे भैया भैया मैं अभी बीए सेमेस्टर वन में हूँ और पहले टेंथ और ट्वेल्थ कर चुका हूँ चुका है तो प्रीवियस ईयर में क्या देना होगा ठीक है और करंटली ईयर में कौन सा कोर्स डालना होगा तो देखिए ये बेसिकली बात है अगर यहां पर बी सेमेस्टर वन में आप हैं दैट मीन्स आप यहां पर ट्वेल्थ के बेसिस पर एडमिशन लिए तो प्रीवियस ईयर मार्क्शीट में आपको ट्वेल्थ का मार्क्शीट अपलोड करना है और अकेडेमिक ईयर आपको फर्स्ट यहां पर चूज कर लेना ये बात का ध्यान रखिएगा मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ जैसे सेमेस्टर वाइज यहां पर जहां पर आपका कोर्स है देखिए बता दे रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड जो भी सेमेस्टर होगा इसको वन में काउंट होगा सेकेंड थर्ड और फोर्थ ये सेमेस्टर आपका सेकेंड ईयर में काउंट होगा और फाइव और सिक्स ये सेमेस्टर आपका थर्ड ईयर में काउंट होगा तो अपने अकॉर्डिंग जो देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पर फर्स्ट में भर रहे होंगे तो वन चूज करेंगे अगर आप थर्ड में भर रहे होंगे तो टू चूज करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में भर रहे होंगे तो आप थ्री चूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश पटेल की तरफ से ये पूछ रहे हैं भैया कॉलेज एडमिशन नंबर में रोल नंबर डालना है या एडमिशन स्लिप स्लिप नंबर हम एडमिशन स्लिप नंबर डाल दिए हैं है कुछ प्रॉब्लम होगा या प्लीज रिप्लाई देखिए आपको बता दे जो एडमिशन नंबर होता है वो आपका कॉलेज का डिटेल होता है ठीक है वो आपका रजिस्ट्रेशन से कोई डिटेल नहीं होता है तो आप देखिए एडमिशन नंबर में हो सकता है कि आप यहाँ पर रोल नंबर भी डाल सकते हैं जो आपको कॉलेज से मिला है रजिस्ट्रेशन स्लिप से डालने तो कोई दिक्कत की बात नहीं बट वो आपको नहीं डालना था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है प्रताप भाई के तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया कर प्रताप भाई ठीक है देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इंपॉर्टेंट है देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा चलेगा तो सिर्फ आपका स्टेट का सर्टिफिकेट यानी कि जो झारखंड गवर्नमेंट इशू करते हैं सर्टिफिकेट वही सर्टिफिकेट यहाँ पर सिर्फ आपका चलेगा झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से इशू किया गया सर्टिफिकेट कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका वैलिड नहीं होगा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आ, बोल रहे हैं कि मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है एक्नोलॉजमेंट स्लिप या फिर आपका जो स्लिप मिला है वो अपलोड कर सकते हैं क्यों हाँ आप कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं आप आराम से कर सकते हैं अगर आपका नहीं बना हुआ है तो पेंडिंग करेगा देन आप अपलोड कर दीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है क्या पूछ रहे हैं देख लीजिए यहाँ पर बोल रहे हैं मार्क्शीट ऑरिजिनल कंपलसरी है या ऑनलाइन वाली अटेस्टेड करके चलेगी देखिए मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है डी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो आप उसको अपलोड कर दीजिए कलरफुल वो ज़्यादा अच्छा है ठीक है बट अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप जेरोक्स या फिर ऑनलाइन वाला डालेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा ये मार्कशीट में आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर नीचे जेरोक्स करवाएंगे तो नीचे यहाँ पर अपना साइन कर दीजिएगा इससे क्या होगा ये सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित हो जाएगा तभी आपका जेरोक्स वाला कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड होगा ये बात का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है और ये आपकी नोटिफिकेशन में बोला गया है कलर अपलोड करेंगे तो कलर वाले में तो साइन होगा नहीं ओरिजिनल में तो आपको क्या करना है बेसिकली आप क्या करेंगे जेरोक्स अगर आपके पास है तो नीचे यहां पर अपना साइन कर देंगे इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये सेल्फ अटेस्टेड है आप अपलोड कर सकते हैं आ, कलर वाला जेरोक्स वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर देखिए प्रीति बर्नवाल की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा गया क्या क्वेश्चन है कॉलेज अप्लीकेशन फॉर्म मांगता है फिल हो जाने के बाद बट मेरे को कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं नहीं मिला है इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है आ, सिर्फ फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लॉग इन करके फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं या अप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद डाउनलोड कैसे करना है ठीक है तो आपको बता दें प्रीति बंडवाल जी आपको ये बता दूँ कि इस बार यहाँ पर जो आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन है वो आपका हटा दिया गया है वो आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन प्रिव्यू का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर कॉलेज में नहीं दे पाएंगे आप डायरेक्टली अपने कॉलेज में जाइए और बोलिए कि कोई प्रिंट आउट यहाँ पर इकलन की तरफ से नहीं निकला है तो आपको मैं क्या सबमिट करूँ बट यहाँ पर निकलना चाहिए यार अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है तो यहाँ पर निकलना चाहिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम

देखिए यहाँ पर मोटिवेशन क्वाइट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है कोई स्टूडेंट यहां पर पूरे डॉक्यूमेंट जरक्स देना है देने से चलेगा क्या हाँ आराम से चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं बट यहां पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए ठीक है और बोनाफाइड ऑरिजिनल अपलोड करिएगा यह बात का ध्यान रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपका जो जेरेक्स होगा उसके नीचे यहां पर साइन होना आपका जरूरी है इससे यहाँ पर स्वप्रमाित या बोल सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है ठीक है भैया रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा या एक टाइम में सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए स्पिरिचुअल नॉलेज यहां पर यह क्वेश्चन को रहे मैं आपको बता दूं डी स्टूडेंट आपको यहां पर इस बार क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसी टाइम आपको अपलोड करना है और एक ही साथ यहां पर आपको फाइनल सबमिट भी करना है बाद में आपको अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा ये बात का ध्यान रखिएगा तो सारे डॉक्यूमेंट को पहले आप रेडी कर लीजिए फाइल आपका एक एम से कम का होना चाहिए ये बात का ध्यान रखिएगा और आपको अपलोड करिए और सारा उसका जो डेट ऑफ इशू है रजिस्ट्रेशन नंबर है सर्टिफिकेट का वो डालिए देन आपको सबमिट करना पड़ेगा बाद में आप अपलोड नहीं कर पाएंगे पिछले साल ऐसा था कि सिर्फ आप अपना फ़ोटो को डालकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिए देन आप वहां पर बाद में भी अपलोड कर सकते थे बट इस बार वैसा नहीं आपको साथ में अपलोड करना पड़ेगा ये बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया टोटली यहाँ पर आपका लगभग यहां पर 30 मिनट का वीडियो बन गया इसके लिए माफ करिएगा सारे क्वेश्चन को कवर करना बहुत मुश्किल है बट जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उस क्वेश्चन को कवर किया आशा है कि इसमें से आपका कोई ना कोई यहां पर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के माध्यम से मिल गया होगा ठीक है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है कोई अदर मोबाइल नंबर भी आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं आपका अपलिकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा परसेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है बाकी जैसे भी आधार का आपका जो अपडेट आता है प्रिंट प्रिंट आउट आउट का बेसिकली प्रॉब्लम था था आपका प्रिंट आउट नहीं आ रहा था, उसके साथ साथ प्रॉब्लम था मोबाइल नंबर अपडेट का तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना दूंगा तब तक के लिए बाय आशा है कि आपके सारे क्वेश्चन डाउट यहां पर क्लियर हो गए होंगे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी तक का कमेंट का मैंने उसको यहां पर लिया और अगर नहीं भी लिया हो तो आप कमेंट करिए मैं आपके क्वेश्चन पर जरूर वीडियो बनाऊंगा या फिर उस टॉपिक पर पर्सनल वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यहाँ पर हेल्प हो पाए थैंक्स फॉर वाचिंग